नमस्ते रोहन, इने दिने कुथे है तुस? नमस्ते अंकल, आओ जरा स्कूल ते प्रोजेक्ट चे रुज्जे दहा। कृपा करिए इसी रखी लाओ। ओ, तुंदे पिता होंदी बड़ी मेहरबानी। आऊं पैहे दे बिजन हेल्पलेस हा, मिगी तोले गए बिजली दा बिल भरना है। तुस डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज ते डिजिटल पेमेंट दी मदद कन्ने आसानी कन्ने बिल दा भुगतान करी सकदे हो। ए बरतून च बड़ा के सुरक्षित ते सौखा है। मैं इदी बारे च मता सुने दे, इसी विस्तार च समझाओ, सुनिश्चित ए दिलचस्प लगार दे। जरूर रोहन, डिजिटल पेमेंट ते ई पेमेंट डिजिटल उपकरण जिया मोबाइल फोन्स ते कंप्यूटर्स ते माध्यम कन्ने एक भुगतान खाते समा दुए च पैसा ट्रांसफर करने दा माध्यम है। इस माध्यम की कैश पेमेंट के मुताबिक बेहतर पेमेंट का तरीका मान्या गया है कीजे ए बड़ा सुविधाजनक तरीका है कीजे एदे च लोकें की बड़े कट पैसे की लोड़ पौंदी है और ते और छड़ा मोबाइल फोन आधार नंबर या कुसे कार्ड की लोड़ हुंदी है। अस यूपीआई एप्स यूएसएसडी या ई वॉलेट्स ने हमेशा चालू रहने वाले भुगतान के माध्यम के राय कदे भी कुते भी भुगतान आसानी कने करी सकने हैं। सरकार आसिया डिजिटल पेमेंट की तह दिल बदाने दे लई भुगतान पर बड़ी भारी मात्रा च छोड़ दिती जा रही है। मिसाल दे लई 2000 रुपए तोड़ी दा सेवा कर भुगतान डिजिटल मोड कने करने पर पूरी छोट दा लाभ मिलो। एदे इलावा इंधन उपर 0.75% दी छोट ते सरकारी बीमा कंपनी दे बीमा प्रीमियम पर 10% दी छोट भी दिती जांदी है। डिजिटल भुगतान दे तरीके दे बावजूद लेन देन दे ब्योरे दा रिकॉर्ड स्वचलित ढंगे कन्ने रखिया जाग। डिजिटल भुगतान दी गल करचै तां एदे च लो रिस्क समान नो रिस्क है। मोबाइल वॉलेट च भी लो रिस्क होंदा है जेकर फोन की अनलॉक या खोलने दे लई पासवर्ड चेता नहीं होवै। कार्ड्स पिन दे विजन काम नहीं करंगन, जेकर इयां होआ तां किश के चिरे च कार्ड ब्लॉक हो जाग। AEPS की साड़ी उंगली दे निशाने दी लोड़ हुंदी है, इस करिए खीसे च मते सारे पैसे रखने दे खातिर समा बची सकने हां। चलो उन अस डिजिटल भुगतान दे महत्व वाले टंगे दी चर्चा करने हां, जेड़े न कार्ड्स, POS, USSD, e-wallet ते AEPS। उन एक एक करिए भुगतान दे इने तरीके दी सही जानकारी लैने हां। कार्ड्स 43 दे उन दिन जेड़े की आम तौर पर बैंकिंग आसिया जारी उन दिन प्रीपेड कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स ते क्रेडिट कार्ड्स। प्रीपेड कार्ड्स दा इस्तेमाल सीमित रकम गी कढवाने ते मोबाइल रिचार्ज जने कम्मे च होई सकदा है। एक ग्राहक दे बैंक खाते समा प्री लोड कीते जांदे न। डेबिट कार्ड्स बैंक खाते कन्ने जुड़े दे हुंदे न। ए बैंक राय चालू बचत ते ओवरड्राफ्ट खाता धारकें गी जारी कीते जांदे न। ए कार्ड बैंक अकाउंट दी मौजूदा सीमा दे आधार उपर कैश दे विड्रॉल या समयान दी आमने सामने खरीदारी या फिर ऑनलाइन खरीदारी दे उपयोग च आउंदा है। एदी बरतून एक मानु समा दुए मानु की डोमेस्टिक यानी घरेलू फंड ट्रांसफर दे लई कीती जा सकदी है। भारतीय रिजर्व बैंक आसिया अनुमोदित बैंकें ते दुई संस्थाएं आसिया क्रेडिट कार्ड जारी कीते जांदे न। ज्यादातर क्रेडिट कार्ड दे कोल एक नगद अग्रिम विकल्प है जेड़ा कार्ड धारकें गी क्रेडिट कार्ड समा पैसे कढवाने दी खुल दिंदा है, पर एदी बरतून करदे वेले किश गल्ले गी ध्यान च रखना लोड़चदा है। एक कट अवधि आला कर्ज यानी शॉर्ट टर्म लोन लैने दे सारे शा महंगे तरीके चा एक है की जे कार्ड धारकें गी उच्च ब्याज दर उपर पैसे वापस करने पौंदे न। वर्तमान च नगद अग्रिम यानी कैश एडवांसेस दे लई औसत ब्याज दर तकरीबन 24% है। कढवाई गई रकम दा तकरीबन 3.5% फीस दे रूप च भुगतान करना जरूरी है। ज्यादातर मामले च कोई रियायती अवधि नहीं दिती जांदी है। जियां गै नगदी कढवाई जांदी है ओदे पर ब्याज शुल्क चार्ज कीता जांदा है।
नकदी कढवाना हमेशा तकरीबन एक तय रकम तोड़ी सीमित हुंदी है जिसी क्रेडिट कैश अद रुपए कार्ड क्रेडिट या डेबिट कार्ड दा भारतीय रूप है। ए तकरीबन अंतरराष्ट्रीय कार्ड जिया वीजा या मास्टर कार्ड दे लेखा गया हुंदा है। मेरे कोल एक कार्ड है पर मिगी एदा इस्तेमाल करना नहीं आउंदा। एटीएम समा पैसे कढवाने दे लई तुसेंगी अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड एटीएम मशीन च पाना हो, फिर अपना चौं अंकें दा निजी पिन दर्ज करो। तुस पैसे कढवाने दे इलावा अपनी बकाया राशि भी डेबिट कार्ड दे माध्यम कन्ने जानी सकदे हो। पल अस इन्हें कार्ड दी बरतून परचून हट्टियां पर भी करी सकने हैं? हाँ बिल्कुल, प्रोसेस किश इस चाली है। डेबिट कार्ड स्टोर दे कैशियर की देओ, व्यापारी पीओएस मशीन दे राए कार्ड की चलांदा है ते खरीददारी दी राशि लिखदा है, ते फी ग्राहक की कार्ड दा पिन दर्ज करना हो, खरीददारी दी राशि उपयोगकर्ता दे खाते समा कटोई जंदी है। व्यापारी छपी दी रसीद दी एक कॉपी उपयोगकर्ता दे दस्तखत करवाई है अपने कोल रखदा है ते दुई कॉपी उपयोगकर्ता गी दे दिंदा है। खीर च उनिस कार्ड दे राए मैं बड़ी आसानी कने बिजली पानी ते टेलीफोन दे बिलें दा भुगतान करी सकना। हाँ जरूर, आवाई यात्रा या रेल गड्डी दी टिकट बुक करने दे लई, रेस्टोरेंट च भुगतान करने दे लई, अट्टियें पर या ऑनलाइन खरीदारी करने दे लई, एटीएम समा पैसे कढवाने दे इलावा और भी मती सारी थारे पर इसी बरतिया जा सकदा है। भला तुस मिगी पीओएस मशीने दे बारे च विस्तार च जानकारी दे सकदियां हो? पॉइंट ऑफ सेल मशीन या पीओएस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जेड़ा कि रिटेल लोकेशन पर कार्ड कने भुगतान करने दे लई इस्तेमाल कीता जांदा है। पीओएस दा काम है उपभोक्ता दे डेबिट ते क्रेडिट कार्ड दी जानकारी लेना, उपभोक्ता दे बैंक खाते च सुधी रकम है या नहीं ए दिखना, उपभोक्ता दे खाते समा बेचने वाले दे खाते च रकम ट्रांसफर करना, लेन देन दी जानकारी रखना ते रसीद प्रिंट करना। मोबाइल आधारित पीओएस बनाम एमपीओएस एक फ्री पॉइंट ऑफ सेल ते क्लाउड आधारित समाधान है जेदे च स्मार्टफोन या टैबलेट दी बरतून बिक्री बदाने, इन्वेंटरी प्रबंधन करने ते ग्राहक वफादारी दे निर्माण दे लई कीता जांदा है। डीमोनेटाइजेशन मुहिम कन्ने परचून विक्रेताएं नकदी आले पारंपरिक रजिस्ट्रेशन दे बजाय एमपीओएस दी बरतून शुरू कीती है जेड़ी पूर्ण परचून प्रबंधन प्रदान कर दी है। एमपीओएस क्रमशः उपभोक्ताएं ते व्यापारियों की व्यक्तिगत ते पारस्परिक ला दिन दिन एमपीओएस दे माध्यम कन्ने अट्टियां आले अट्टियां च कुतै भी उपभोक्ताएं समा पेमेंट ले सकदे न। ग्राहक क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या डिजिटल वॉलेट के माध्यम कन्ने मोबाइल पीओएस डिवाइस पर सौखे गै भुगतान कर सकदे न। व्यापारियों ते ग्राहकें दोनों की लॉयल्टी प्रोग्राम्स कन्ने लाभ मिलदा है जेड़े लगातार पेमेंट ट्रांसैक्शन च एकीकृत हुंदे न। जेले अस डिजिटल कार्ड दी बरतून करार दे होचे तां भला असेंगी किश सावधानियां बरतनियां लोड़चदियां? हां जेले तुस इन्हें कार्डें दी बरतून करार दे हो तां के करना लोड़चदा है ते के नहीं एदे पर ध्यान जरूर दियो। अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने दे बेले ए पक्का करी लाओ जे वेलकम किट खरी चाली ने बंद हुए है, कार्ड दे पीछे अपने दस्तखत करी लाओ, अपने क्रेडिट कार्ड की ध्यान ने रखो जिया तुस अपने पैसे की रख दे हो। जेकर तुस अपना क्रेडिट कार्ड गुआई दिन दे हो ता एदे बारे च फौरन रिपोर्ट करो। हमेशा ध्यान रखो जे कार्ड तुंदी नजरी दे सामने गै स्वाइप कीता जा। इस चीज दा ध्यान रखो जे तुंदा मोबाइल नंबर अपडेट हो है ते तत्काल लेन देन अलर्ट की प्राप्त करने दे लई पंजीकृत हो है। जेकर तुंदा पता या मोबाइल नंबर बदलोए दा है त
ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰਤ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਅਨਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਕੰਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਆਸਿਆ ਐਨੇਬਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟਾਰ ਗੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ। ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪਾਸਵਰਡ ਗੀ ਜਨਰੇਟ ਜਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਖਰਚਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਨੇ। ਪਾਸਵਰਡ 'ਚ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਘੱਟ 8 ਅੱਖਰ ਉਹਨੇ ਲੋੜਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਵਾਧੂ 16 ਅੱਖਰ ਉਹਨੇ ਲੋੜਚਦੇ ਨੇ। ਪਾਸਵਰਡ ਦੇ ਸਫਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਅੰਕੇ ਤੇ ਵਰਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਚਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਘੱਟ 3 ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਅੰਕ ਉਹਨੇ ਲੋੜਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਘੱਟ 3 ਅਪਰ ਕੇਸ 1 ਜਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਉਹਨੇ ਲੋੜਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਨਿਊਮਰਿਕ ਡਿਜਿਟਸ ਤੇ ਇੱਕ ਅਪਰ ਕੇਸ ਅਲਫਾਬੈਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ। ਪਾਸਵਰਡ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਜਿਨਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਚਦਾ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 6 ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲੇ ਗਏ ਦੇ ਪਾਸਵਰਡ ਜਿਨਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਚਦਾ। ਪਾਸਵਰਡ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਨ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰੈਕਟਰਸ ਤੇ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨੀ ਲੋੜਚਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਮਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਲੋੜਚਦੇ ਤੇ ਸਕਸੈਸਿਵ ਕਰੈਕਟਰ 3 ਸਮਾਂ ਮਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਲੋੜਚਦੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨੇ ਕਰੀਏ ਅਕਸਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਦੀ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਨਿਊਅਲ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਕੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੇ ਦੇ ਮਗਰਾ ਕਾਰਡ ਕੀ 4 ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕੱਟੀਏ ਖਰੀ ਚਾਲੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਲੋੜਚਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੂਨ ਆਈ ਰਿਸਕ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਕੀ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਕੰਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਦਲਾਈ ਲਾਓ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਡ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਿੰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸੇ ਤ੍ਰੀਏ ਮਾਨੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਿਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗੀ ਤੁਰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ। ਕਿਸੇ ਗੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਮੁਕਨੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੇ CVV ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੂਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲਾਟਰੀ ਜੂਆ ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟਾਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ATM ਪਿੰਨ ਗੀ ਕਾਰਡ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋ। ਕਿਸੇ ਗੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ। ਖਾਲੀ ਆਵੇਦਨ ਫਾਰਮ ਉੱਪਰ ਦਸਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆਸਿਆ ਮਗਰਾ ਭਰਿਆ ਜਾ। ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖਾਤੇ ਗੀ ਕਿਸੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲੋ। ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਵਰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਉੱਪਰ ਐਡਰੈਸ ਬਾਰ ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ HTTPS ਦੇ ਕੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਡ ਗੋਲਡਨ ਪੈਡਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੌਕ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸਦਾ ਜਿਸ ਸਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸੰਚਰਨ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੂਨ ਕਰਾਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਮੇਲ ਜਾਂ SMS ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਾਰਦੇ ਹੋਣ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਈਮੇਲਾਂ ਦਾ ਪਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਮੰਗਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸਾਰਦੇ ਹੋਣ। USSD ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਨਸਟਰਕਚਰਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਡਾਟਾ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ USSD ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯਾਨੀ NUUP ਦੇ ਆਸਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦੀ ਇੱਕ ਲੌਕੀ ਜਿਹੀ ਕੋਡ *99 ਹੈਸ਼ ਦੇ ਕੰਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਏ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਰਤੂਨ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋੜੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। *99 ਹੈਸ਼ NPCI ਇੱਕ USSD ਆਧਾਰਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਥ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਮਾਂ
*99 हैश डायल करिए एक ग्राहक सभ्य माली सेवाएं तोड़ी पूजी सकता है। ये सेवा सभ्य GSM सेवा प्रदाताएं ते एंड सेंट पर काम कर दी है। अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर समा *99 हैश डायल करो। ओके दे विकल्प दे करने एक वेलकम विंडो खुल दी है। ओके पर क्लिक करो। तुसें की बख बख भाषाएं दी विंडो मिलो, ओदे पर क्लिक करिए अपनी भाषा चुनो। बैंक ब्योरे दे विकल्प वाली एक विंडो खुली जाग, जरूरी ब्योरा दर्ज करो। एदे इलावा तुसें की दित्ते गए दे विकल्पे दे नेड़े स्थित सरबंधित नंबरें की दवाइए अपने बैंकिंग विकल्पे दा चयन करना हो, फिर अपना रेफरल कोड दर्ज करो या तुस एक दवाई है इस विंडो की छोड़ी सकते हो ते सेंड विकल्प ऊपर क्लिक करी सकते हो। उन तुस अपने मुताबक पैसे भेजने का विकल्प चुनो। ओदे मगरा लाभार्थी का IFSC कोड दर्ज करो ते फिर अगले विंडो च लाभार्थी का खाता संख्या दर्ज करो। फी उस रकम की दर्ज करो जिसे तुस ट्रांसफर करना चाहते हो। खीर च ट्रांसैक्शन पूरा करने दे लई अपना UPI पिन दर्ज करो। AEPS का मतलब है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ए सेवा एक बैंक ग्राहक की आधार दी बरतून अपनी पहचान दे रूप च करिए सरबंधित आधार कन्ने खुले दा बैंक खाता ते मूल बैंकिंग लेन देन करने दा अधिकार दिंदी है। ए बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट BC या BLE दी मदद कन्ने POS यानी माइक्रो ATM बैंक टू बैंक लेन देन दी खुल दिंदा है। उपयोगकर्ता अपने खाते की बैंक च अपने आधार नंबर दे राए या फी BC या BLE दी मदद कन्ने शुरू कर सकदे न। उपयोगकर्ता कुसै भी AEPS केंद्र पर विजन कुसै पिन या पासवर्ड दे काफी सारा लेन देन करी सकदे न। ए मजेदार लगा रदा है। मिगी इस सेवा की शुरू करने लई केड़ी चीजें दी लोड़ होग? तुसें गी छड़ी त्रै चीजें दी जरूरत है। तुस केड़े बैंक कन्ने जुड़े दे हो एदी पहचान करने दे लई IIN आधार नंबर रजिस्ट्रेशन दे दौरान उंगली दे निशान लते जांगन। कृपया मिगी बख बख सेवाएं दे बारे च दसो जेड़ियां AEPS आसिया दित्तियां जांदियां। AEPS निमन चाली दे बैंकिंग ट्रांसैक्शन दे लई इस्तेमाल हुंदा है। बकाया रकम दी जानकारी, रकम कढवाने, रकम जमा करवाने, आधार कन्ने आधार च फंड ट्रांसफर करने च, उचित पाए आली अट्टियें पर खरीदारी करने च, UPI दा मतलब हुंदा है यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस। ए प्रणाली उपयोगकर्ता दे स्मार्टफोन दे माध्यम कन्ने त्वरित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान दे लई है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS दा ए एक एडवांस वर्जन है। UPI 24 घंटे फंड ट्रांसफर दी सुविधा दिंदा है। ए फोन दा इस्तेमाल करिए उपभोक्ता दी पहचान की प्रमाणित करदा है। ए सब 365 दिन 24 घंटे काम करदा है। आऊं सेवा दा उपयोग किया करी सकना? इस सेवा दा लाभ उठाने दे लई तुसें की बस दो चीजें दी जरूरत है। एक मोबाइल जेदे च UPI एप्लीकेशन यानी ऐप होना लोड़चदा ते एक बैंक खाता। कृपया असें की दसो जे ए किस चाली काम करदा है? बेशक ए एक साधारण त्रै स्टेप दा प्रोसीजर है। पहले स्टेप च अपने बैंक दा UPI ऐप डाउनलोड करो। ओदे मगरा अपना नाम या फोन नंबर पाईए एक वर्चुअल ID बनाओ ते अपने खाते दा ब्योरा पाईए रजिस्टर करो। चेते रखो ए प्रक्रिया बस एक यानी पहली बारी गै करनी हुंदी है। उन दुए स्टेप च खरीदी जाने वाली चीजें की अपनी कार्ड च जोड़ो, फिर पेमेंट विकल्प ऊपर जाओ ते पेमेंट थ्रू UPI दा चयन करो। व्यापारी की अपना वर्चुअल ID प्रदान करो।
त्रीए स्टेप च ऑनलाइन खरीद दे लेई तुंदी मंजूरी मंगदे होई एक विंडो तुंदे मोबाइल दे यूपीआई ऐप च आओ। सुरक्षा पिन दर्ज करने दे मगरा सफल भुगतान दी पुष्टि तुंदे मोबाइल उपर भेजी जाग। परपला मिगी इस सेवा दा उपयोग करने लेई अपने बैंक ब्योरे की सांझा करने दी लोड़ है? नहीं, उपयोगकर्ता दा नाम, बैंक खाता नंबर, IFSC या बैंक शाखा की सांझा करने दी जरूरत UPI ने खत्म करी दीती दी है। इन्हें डेबिट कार्ड ने भौतिक उपकरण दी बर्तून की भी खत्म करी दीते दा है। नेट बैंकिंग जनेई मल्टी स्टेप प्रक्रियाएं दी बर्तून करने दी कोई जरूरत नहीं है। ए बड़ी सौखी एप्लीकेशन है ते इसी कोई भी इस्तेमाल कर सकदा है। ए तुरत ते सुरक्षित प्रमाणिकता प्रदान करदा है ते कुते भी शुरू कीता जाई सकदा है। ए एक पूरी चाली बिजन नकदी आले डिजिटल समाज दे लई राह खोलदा है। चालान आला लेखा पैसे किते अनुरोध भेजने दे लई एदा इस्तेमाल कीता जाई सकदा है। उपभोक्ता उपयोगिता आले बिले ते स्कूल फीस दा ऑनलाइन भुगतान करने दे लई भी UPI दा उपयोग करी सकदे न। इस सेवा दा उपयोग करने लई मिगी केड़ा मोबाइल ऐप डाउनलोड करने दी लोड़ है? तुस भारत दे राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI आसिया विकसित भीम ऐप की डाउनलोड करी सकदे हो। मोबाइल फोन दे माध्यम कन्ने तेज सुरक्षित ते रिलायबल नगद हीन भुगतान गी एनेबल करने दे लई एक पहल च भीम शुरू कीता गया हा। भीम UPI आवेदने ते बैंक खाते दे कन्ने इंटर ऑपरेबल है यानी अंतर प्रचालित है। भला तुस भीम ऐप दे बारे च विस्तार कन्ने समझाई सकदियां हो? हां बिल्कुल, भीम ऐप दी खूबियां च शामिल एक बैलेंस ते ट्रांसैक्शन दे ब्योरे दी जांच, दो QR कोड्स दी वरतून करदे होई पैसा भेजना ते प्राप्त करना, त्रै 10,000 रुपए समा 20,000 रुपए तोड़ी दे भुगतान दे ट्रांसैक्शन गी 24 घंटे खोल देना, चौथा पेमेंट एड्रेस दे माध्यम कन्ने पैसा भेजने ते पैसे दे लई दरखास्त करना, मोबाइल नंबर उपर पैसा भेजना या ओदे लई दरखास्त करना, पंज मोबाइल नंबर MMID दे माध्यम कन्ने पैसा भेजना, IFSC कोड खाता संख्या दे माध्यम कन्ने रकम भेजना, छे भुगतान ते स्कैन विकल्प दी वरतून करियै मर्चेंट पेमेंट करना, सत आधार संख्या पर पैसे भेजना, अठ कुसै भी बैंक खाते च फंड ट्रांसफर करना, नौ पैसा प्राप्त करने आले दा एडवांस रजिस्ट्रेशन ते लाभार्थी दे बैंक खाता संख्या दी लोड़ नहीं है, दस पैसे दा ट्रांसफर तुरंत ते कदे भी। भीम ऐप दी किश अदन, एक समय च छड़ा एक बैंक अकाउंट जोड़िया जाई सकदा है, छड़े दो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस या आभासी भुगतान पाते दी खुल है। डिफॉल्ट रूप ने पहले भी PA तुंदे मोबाइल नंबर कने जुड़े दा है। अस इस ऐप दी बरतून कियां करी सकने हां? भीम ऐप की शुरू करने दे लई तुसें की सौखी गाई दी पालमा करनी हो, सारे शा पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाओ ते भीम ऐप की सर्च करो। ऐप सूची समा भीम ऐप दा चयन करो ते इसी इंस्टॉल करो। इंस्टॉलेशन दे मगरा भीम शुरू करने दे लई ओपन उपर क्लिक करो, फी अपनी भाषा चुनो ते नेक्स्ट बटन उपर क्लिक करो। परतिये अग्रिम यानी सबसीक्वेंट विंडो दे अगले टैब उपर क्लिक करो, लेट्स गेट स्टार्टेड बटन उपर क्लिक करो, नेक्स्ट बटन क्लिक करिये अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करो, फी अपना पासकोड सेट करो ते एदी पुष्टि करो, एदे मगरा सूची समा अपने बैंक दा चयन करो ते अग्गे बदने दे लई नेक्स्ट क्लिक करो। अस भीम ऐप दा इस्तेमाल पैसा भेजने लई कियां करी सकने आ? अपने VPA या बैंक ब्योरे दी बरतून करिये पैसे भेजने दे लई सेंड विकल्प उपर क्लिक करो, लाभार्थी दा VPA दर्ज करो,
ओदे मगरा अकाउंट प्लस IFSC विकल्प उपर क्लिक करो ते फी लाभार्थी दे खाते दा ब्योरा दर्ज करो। भला अस भीम दा इस्तेमाल करिये भी पैसे ले सकने हैं? हाँ बिल्कुल, पैसे कलेक्ट करने दे ले रिक्वेस्ट बटन उपर क्लिक करो। परतिये उस मानू दा मोबाइल नंबर या VPA दर्ज करो जेदे शा तुसे पैसे चांदे हो। रकम दर्ज करो ते रिक्वेस्ट टैब उपर क्लिक करो। ओदे मगरा पेयर या भुगतान करता की अपने स्मार्टफोन उपर पेमेंट की एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने दे ले एक नोटिफिकेशन मिली जाग। भुगतान करता भुगतान करने दे ले QR कोड दी बरतून भी कर सकता है। अपना पिन सेट करने दे ले कि सौखे चरने दी पालमा करो। सारे शा पहले बैंक अकाउंट विकल्प उपर क्लिक करो। ओदे मगरा सेट UPI पिन विकल्प उपर क्लिक करो। खीरच अपने बैंक खाते दा प्योरा दर्ज करो ते सबमिट करो। ई वॉलेट दा मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। ए एक चाली दा इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है जिड़ा कंप्यूटर या स्मार्टफोन दे माध्यम कन्ने ऑनलाइन ट्रांसैक्शन दे ले उपयोग कीता जांदा है। ई वॉलेट तुंदे निजी खाते कन्ने जुड़दा होना लोड़चदा तां जे तुस भुगतान करी सको। एदा इस्तेमाल क्रेडिट या डेबिट कार्ड जिनिया के है। ई वॉलेट की बढ़ावा देने दे पीछे ए मकसद है जे कागज बिजन रकम दा लेन देन सौखा हो सके। आओ ई वॉलेट दी खूबियां दे बारे च जानचे। ई वॉलेट एक चाली दा प्रीपेड खाता है जेदे राय उपभोक्ता भविख दे ऑनलाइन ट्रांसैक्शन दे लई रकम जमा रखदा है। ए खाता पासवर्ड सुरक्षित हुंदा है। उपभोक्ता किराने दा सामान ऑनलाइन ट्रांसैक्शन वगैरा च भुगतान दे लई एदा इस्तेमाल करी सकदा है। ई वॉलेट च दो मुख घटक न, सॉफ्टवेयर इनफॉरमेशन। सॉफ्टवेयर निजी जानकारी की स्टोर करिए रखता है ते संग्रहित जानकारियों की भी सुरक्षित रखता है। ते दुई बखी इनफॉरमेशन घटक उपभोक्ता दी जानकारी दा डाटाबेस है। एदे च उंदा नाम, पता, पेमेंट मेथड, भुगतान दी तारीख, डेबिट या क्रेडिट कार्ड दी डिटेल शामिल है। ए दिलचस्प है, पर मैं ई वॉलेट दा इस्तेमाल किया करी सकना? ए बड़ा सौखा है, तुसें की बस अपने मोबाइल चो ए ऐप डाउनलोड करना होग, फिर सब जरूरी जानकारी देये साइन अप करना होग, ओदे मगरा तुसें की एक पासवर्ड मिलो, ओदे मगरा तुस डेबिट या क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग दा इस्तेमाल करिये पैसे अपने ई वॉलेट च पाओ। ऑनलाइन खरीदारी दे मगरा ई वॉलेट खुद ब खुद भुगतान फार्म उपर उपभोक्ता दी जानकारी दर्ज कर दिंदा है। डिजिटल भुगतान होने पर ए जानकारी डाटाबेस च खुद ब खुद दर्ज होई है, अपडेट होई जंदी है। मेरे पापा एक व्यापारी, भुगतान हासिल करने दे लई अस ई वॉलेट दा इस्तेमाल किया करचे? व्यापारियों दे लई भी पहले त्रै स्टेप उए जनेन जियन नॉर्मल उपभोक्ताएं दे लेन। ओदे मगरा अपने आप हैगी व्यापारी दसिये भुगतान हासिल करो। वाह, ये ते बड़ा गे सौखा है। पला तुस मिगी दसगे जे ई वॉलेट दा इस्तेमाल करने लई मिगी केड़ी चीजे दी लोड़ होग? हाँ बिल्कुल, तुसें की इन्हें चौं चीजे दी जरूरत होग। एक बैंक खाता, एक स्मार्टफोन, 2G, 3G या 4G कनेक्शन ते एक मुफ्त ई वॉलेट ऐप। SBI बड़ी। SBI बड़ी एक ई वॉलेट है जिसे की सौखे चरने दा पालन करिये डाउनलोड कीता जाय सकदा है। सारे शा पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाओ ते स्टेट बैंक बड़ी ऐप की सर्च करो। फी ऐप डाउनलोड करने दे लई इंस्टॉल टैब उपर क्लिक करो। इंस्टॉलेशन दे मगरा ऐप खोलो ते अपनी भाषा दा चयन करो। फी साइन अप करने दे लई अपना ब्योरा दर्ज करो।
ओदे मगरा अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर उपर प्राप्त ओटीपी गी दर्ज करो। फी 4 डिजिट आला एक पिन सेट करो ते एदी तस्दीक करो। खीर च ऐप दे नियमे ते शर्तें गी स्वीकार करने दे लई एक्सेप्ट बटन गी दबाओ ते इसी सबमिट करो। अपना पिन दर्ज करिए लॉग इन करो। अपने वॉलेट च पैसे जोड़ने दे लई एड मनी विकल्प उपर क्लिक करो। ओ रकम दर्ज करो जिसी तुस अपने वॉलेट च जोड़ना चाहते हो। भुगतान दा मोड चुनो ते कंटिन्यू पर क्लिक करो। एदे मगरा तुस अपने डेबिट कार्ड दा ब्योरा दर्ज करिए भुगतान करी सकदे हो। जनरेट ओटीपी विकल्प पर क्लिक करो। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करो ते सबमिट करो। इसे 40 पैसे भेजने दे लई सेंड मनी विकल्प पर क्लिक करो। फी लाभार्थी दे कॉन्टैक्ट नंबर गी दर्ज करो ते कंटिन्यू पर क्लिक करो। ओ रकम दर्ज करो जेड़ी तुस भेजना चाहते हो। फी कंटिन्यू करो। खीर च पिन दर्ज करो ते पैसे भेजने दे लई कन्फर्म उपर क्लिक करो। ई वॉलेट दी बरतून करदे बेलै किश गल्लें पर विचार करना जरूरी है। जिया मोबाइल सुरक्षा दे लई पासवर्ड ते पैटर्न लॉक दी बरतून करो। कुसै दे कन्ने अपने ई वॉलेट प्रमाण पत्र यानी क्रेडेंशियल्स की सांझा नहीं करो। अपने ई वॉलेट च मती रकम लोड नहीं करो। कई मर्चेंडाइज स्टोर साइबर सुरक्षा डिजिटल सर्विसेज जिया कार्ड्स मनी ट्रांसफर ऐप ई बैंकिंग सुविधा वगैरह दी बरतून करते बेलै तुंदी व्यक्तिगत जानकारी या डेटा दी सुरक्षा दे लई साइबर सिक्योरिटी दा प्रावधान है। साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर नेटवर्क प्रोग्राम ते डाटा दे अनाधिकृत उपयोग या अटैक्स करने संबंधित सुरक्षा दी तकनीक है जिहदा उद्देश्य शोषण करना है। आईसीटी दे उपयोग च साइबर सिक्योरिटी आत्मविश्वास ते सुरक्षा दा निर्माण करदी है तां जे सूचना समाज आसिया विश्वास सुनिश्चित कीता जाई सके। एदा उद्देश्य खतरें ते कमजोरियें गी घट करना या उंदी रोकथाम करना है ते घटना दी प्रतिक्रिया रिकवरी डाटा एश्योरेंस लॉ एनफोर्समेंट सैन्य ते खुफिया ऑपरेशन दी सुरक्षा दे लई नीतियें च थार रखना है। साइबर सिक्योरिटी दुनिया भर च तकरीबन सब्बे नागरिकें गी व्यवहारिक रूप नै टच करदी है। ए मानव विकास दे कन्नै कन्नै सूचना समाज यानी इन्फॉर्मेशन सोसाइटी च बेहतर एकीकरण प्राप्त करने च व्यापक मौका प्रदान करदी है। ए ज्ञान तोड़ी व्यापक पुज्जता कन्नै गै नीतियें ते रणनीतियें दे विकास दे लई भी समर्थन करदी है। साइबर सिक्योरिटी दे किश डूज एंड डोंट्स न जेड़े असें गी कोई भी कारवाई करदे वेलै सावधानी दे लई चेते रखने लोड़चदे न। ए सुनिश्चित करो जे जेल्लै तुस कुसै वायरलेस कनेक्शन कन्नै कनेक्ट हो तां तुस उचित नेटवर्क कन्नै कनेक्ट होआर दियो, नहीं तां SSID दे रूप च जानिया जांदा है। नया नहीं मन्नो की जे ना नया लग सकदा है ते ओ कुसै ट्रस्टेड सोर्स समा आवारदा है। नए पासवर्ड दी बरतून करो जेदे च अपर केस लोअर केस लैटर ते विशेष वर्ण होन। परिचित नां या संख्याएं दी बरतून नहीं करो जियां तुंदे परिवार दे सदस्य जन्मदिन वगैरह। ड्यूअल या मल्टी फैक्टर प्रमाणीकरण ऑथेंटिकेशन दा लाभ जरूर ठुआओ। मिसाल दे लई कई वेबसाइट उन छड़े एक यूजर नेम ते पासवर्ड समा बख नई ऑफर दिंदियां जियां स्मार्ट कार्ड पिन या इथु तोड़ी जे उपयोगकर्ता चयनित सिक्योरिटी इमेजेस जेड़ियां के लॉगिन पर पहचान देन। जेले दुए विकल्प उपलब्ध होन ता शड़ी यूजर नेम ते पासवर्ड दी बरतून नहीं करो। पासवर्ड दी एक सूची सुरक्षित रखो ते उसी कट समा कट क्वार्टरली बेसिस उपर यानी हर त्रीय महीने बदलो। एक गै पासवर्ड की लंबे समय तोड़ी नहीं रखो। अपना कारपोरेट पासवर्ड अपने निजी पासवर्ड समा बखरा रखो। अपने निजी पासवर्ड दे लई अपनी कंपनी दा पासवर्ड नहीं वरतो या एदे उलट। सुनिश्चित करो जे तुंदा कंप्यूटर लेटेस्ट पैचेस ते वायरस सिग्नेचर्स कन्नै भरे दा होए। इयां नहीं मनी लाओ जे वायरस दा पता लाने आला सॉफ्टवेयर
कंप्यूटर पर हमेशा गै काम करदा है। नॉन कॉन्फिडेंशियल डाटा अपलोड करने ते शेयर करने दे लई क्लाउड डेटा सिस्टम दी वरतून करो। अपनी गैर हाजिरी च अपने निजी कंप्यूटर दी वरतून दोस्तें परिवार दे सदस्यें ते सहयोगियों आसे कीते जाने पर भरोसा नहीं करो। अपने डाटा दा बैकअप रिमूवेबल मीडिया च करिए कुते सुरक्षित थारा पर रखो। इयां नहीं समझो जे तुंदे डाटा की मेंटेन ते सुरक्षित रखने दी जिम्मेदारी कुसै और दी है। अपने ईमेल्स सावधानी कन्ने दिखो ते सुनिश्चित करो जे सोर्स हैडर कुसै वैलिड एड्रेस समा ओ है। अपने कंप्यूटर च मैलवेयर लोड करने वाली मैलिशियस यानी गलत वेबसाइटें दे लिंक पर क्लिक करिए शिकार होने समा बचो। 10. एक मानने वाली साइबर सिक्योरिटी फर्म दे कन्ने संबंध कायम करो। अपनी कंपनी की इंटरनेट पर सुरक्षित रखने दे लई नीतियां ते प्रक्रियाएं पर पहले समा गै चर्चा कर लाओ।